भाई इनको तो चेक करें, जैसे ही बच्चा नमाज पढ़कर बाहर आया ग्लासेस वगैरह लगा लिया, एक्शन ही नहीं मिल रहे इनको तो भाई, अभी देख ही नहीं रहे। भाई अम्मा जी सामने बैठी हैं और नीचे तीनों बच्चे लाइन से बैठ गए, अम्मा जी ईदी देंगी अभी इन सबको। दादी मैं आपका पोता हूँ। ये आपका पोता है, अम्मी जल्दी से ईदी दे दो दादी के पोते को। ओए होए होए, स्नो को देखें भाई हसन के साथ खेलने में लगा हुआ है। सुनो ईद मुबारक। ओ भागे भागे सुनो भागे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आपकी वजह से ईद मुबारक, आपकी वजह से ईद मुबारक। क्राउन टाइटल आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। अरे भाई जान इन लोगों को तो ईदी मिलना भी स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को सबसे पहले चांद रात मुबारक। ईद मुबारक मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी नमाज नहीं पढ़ी ना, नए कपड़े भी नहीं पहने, क्योंकि यहाँ पर टाइम हो रहा 1:15 और हमारी बच्चा पार्टी भी अभी जाग रही है, ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपको पता है चांद रात है, कल सुबह नमाज पढ़ने जाना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, तैयारी डन है। ओए होए बच्चे की तैयारी बिल्कुल डन है। भाई अभी सीन ऐसा है कि मुझे कपड़े लेने जाना है बाहर मार्केट, और मैं अभी आपको मार्केट का विजिट कराता हूँ कि कितनी रौनक हुई है मार्केट के अंदर। अभी फिलहाल दोनों बच्चों को बोलते हैं कि आप अंदर जाके लेट जाएं क्योंकि सुबह नमाज पढ़ने भी जाना है। चले मेरे बेटे, ठीक है अपना ख्याल। हाँ भाई अली तो कल अपने नए शूज और अपनी नई किटो पहनेगा मेरा बेटा, ठीक है। अब आप दोनों अंदर आराम से सो जाओ, ठीक है। चले भाई अब हम निकलते हैं बाहर मार्केट, अपने कपड़े लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ना एंड टाइम पर कपड़े दिए थे टेलर को सीने के लिए, तो अब वो बोल रहा है भाई ये एंड टाइम पर ही मिलेंगे आपको, तो अब हम चलते हैं मार्केट का भी विजिट करते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वा इन्ना इला रब्बिना लमुंतक़िलून। भाई गली में तो फिलहाल आपको सन्नाटा लग रहा होगा क्योंकि किसी के घर के आगे बल्ब भी नहीं चल रहा। भाई अल्लाह राजी पे रश चेक करें पहले तो, भाई ऐसा लग रहा है फ्री में बढ़ रहा है अल्लाह राजी पे। कैसे बैठी हुई आवाम, लोग चिकन लेने के लिए आए हैं भाई, गोश्त लेने के लिए आए हैं, रश ही रश लगा हुआ है भाई। रात के 2 बज रहे हैं पर ये चेक करें कि रौनक कितनी हुई है माशाल्लाह से। ओए होए होए होए, रौनक ही रौनक माशाल्लाह। मैंने एक चीज नोट करी है, लोग खाने पीने के बहुत शौकीन है, ये चेक करें, शॉपिंग कर आ रहे हैं और अपने लिए भाई खाने पीने का आइटम खरीद रहे हैं, ये चेक करें माशाल्लाह से, रश चेक करें। हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमने सूट सिलने के लिए दिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहां है हमारा सूट, दे दो कल पहनना है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं, रेडी है भाई। मैं बता रहा हूँ किस बंदे ने लेट करा हमारा सूट, इस बंदे ने। अस्सलाम वालेकुम भाई, जल्दी निकाल दे मेरा सूट यार, मुझे मिल गया मेरा दोस्त। ये देखें, ये हमें टोपियां पहनाता है, आज खुद टोपी पहना हुआ, ये देखें। देखें हर बार ये हमें टोपी पहनाता है, आज इसने खुद टोपी पहनी हुई है। मैं तुम्हें पहना देता हूँ, देखो मुझे टोपी पहना दी। यहाँ पर हो गया हमारा सूट रेडी और अब हम निकलते हैं घर की तरफ। अरे भाई घर पे पहुंच गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हालत टाइट हो गई है, जब मैं जॉब पे से आया ना तो अपने घर के कामों में लग गया और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अब वीडियो को करेंगे अभी एंड, फिलहाल अब आपसे मुलाकात होगी सुबह जब हमारी बच्चा पार्टी कट जाएगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लोगों ने यहाँ पर नमाज की तैयारी कर ली है और अली ने यहाँ पर जानमाज भी उठा लिया। अली जल्दी से आ जाओ मेरा बेटा, लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद कर दो अभी फिलहाल। भाई हमारे घर वाले भी तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर हसन को देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कहाँ जा रहे हो पापा, जी भैंस। अरे भाई ये गली में गाय किसकी आ गई, ये तो ऐसे घूम रही है भाई। चलो आओ हसन जल्दी से, हम नमाज की तैयारी करते, जल्दी से आ जाओ। हम तो निकल ही रहे थे कि डॉक्टर अफान भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, तैयार हो, जल्दी से बैठ जाओ पापा के साथ, जल्दी जाओ। भाई माशाल्लाह से ईद के बाद ना ये वाला मंजर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, चेक करें माशाल्लाह से, रौनक चेक करें मस्जिद में। भाई इनको तो चेक करें, जैसे ही बच्चा नमाज पढ़कर बाहर आया ग्लासेस वगैरह लगा लिया। भाईजान इधर तो देखो, एक्शन ही नहीं मिल रहे इनको तो भाई, अभी देख ही नहीं रहे। इधर आ जाओ जल्दी से, आ जाओ हम जा रहे हैं, ये चेक करें भाई। क्या हो गया डॉक्टर अरफान, क्यों तंग कर रहे हो, मेरे साथ चलना है, आ जाओ भाई। भाई डॉक्टर अरफान ना बड़े भाई को तंग कर रहा है, बोल रहा है मैंने आपके साथ जाना है, आ जाओ भाई इनको यहाँ शिफ्ट कर दो। आ जाओ भाई, ये देखो भाई हमारी बाइक पे कौन कौन बैठ गया, हसन, डॉक्टर अरफान और अली और हसनैन भाई भी बैठे हैं हमारे साथ। चले भाई अब हम घर चलते हैं, चले भाई रियान
दादी इंतजार कर रही होंगी घर वाले। चलो भाई फाइनली हम लोग घर पर पहुंच गए और यहाँ पर देखें अली ने ब्लैक एंड ब्लू ग्लासेस पहना हुआ और माशाल्लाह से अली के कपड़े देखें और अली ने न्यू स्लीपर पहनी हुई। भाई अली बहुत प्यारे लग रहा है आप माशाल्लाह से। और ये भाईजान तो भाई एटीट्यूड में चल रहे हैं भाई, हल्के में आ ही नहीं रहे। ये माशाल्लाह से इनके कपड़े देखें और स्लीपर देखें हसन की, कितनी प्यारी लग रही है ना हसन। और ये डॉक्टर अफान है, अभी डॉक्टर अफान ने न्यू चप्पल पहनी नहीं क्योंकि नमाज पढ़ने गए हुए थे, अभी न्यू चप्पल पहनोगे। और सूट देखो कितना प्यारा लग रहा है डॉक्टर अफान का। और मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त आ गया है, मैं उससे ईद मिलने के लिए आ गया हूँ। ईद मुबारक भाईजान। ईदी ईदी देंगे ना? मैं क्यों दूंगा, आप बड़े हैं, जो सेहत में अच्छा है वो देगा। फिर कमजोर हो जाता हूँ फिर मैं। कैसे हो गए कमजोर, टाइम लगेगा। ईदी दो यार, ये गलत बात है, अभी रुक जाए ईदी बात। ये देखो यार ईदी दे ही नहीं रहा यार, ये कैसी ईद है, ये तो कोई ईद ही नहीं दे रहा। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। अरे भाई जान, इन लोगों को तो ईदी मिलना भी स्टार्ट हो गई है। देखो ये कहाँ से आप लोगों के पास ईदी मिली है, कहाँ से आई अली? मोटू भैया नहीं दिए? अरे भाई बच्चों को तो ईदी मिलना स्टार्ट हो गई। चलाओ घर में चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई हम घर में जैसे ही दाखिल हुए ना, अली और हसन ने कहा कि पहले अब्बू के पास चलेंगे ईदी लेने के लिए। अब अब्बू कौन? मेरे बड़े भाई। तो चलो भाई। डॉक्टर अफान आपने ले ली पापा से ईदी? नहीं भाई, डॉक्टर अफान ने भी नहीं ली। अब डॉक्टर अफान बोल रहा है मैं भी अभी लूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईदी लेने के लिए आए आपके पास? भाई पहले मेरे को ईदी दिए लोगों ने, तो ईदी दिए। ओए ये ईदी किसने दी? यासन ने दिए। लो भाई, डॉक्टर अफान ने दिए हैं और ये अली ने। लो भाई, यहाँ पे तो ईदी लेने आए थे अब्बू से, बल्कि उल्टा उनको ईदी दे दी। ये तो मेरी ईदी हो गई। लो भाई, वो बच्चा पार्टी ने हमला कर दिया था अब्बू पे। भाई मैंने सबसे ईद मिल ली, अम्मा जी से नहीं मिली। कहाँ है अम्मा जी? भाई अस्सलाम वालेकुम भाई। अम्मा जी तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा अभी अम्मा जी को तंग नहीं करा जाए, अम्मा को सुकून से तैयार होने दे। अम्मा जी ईदी? अम्मा भाई ईदी दे आप नहीं रखे। चले भाई, अम्मा बोलिए भी नीचे रखे, अभी हम बड़े भाई के पास आए हैं। आ जाए अम्मा जी, अब हम पहले कुछ खा पी लेते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा दस्तखान सज गया है। और हसन को देखिए भाई, वो तो खाना भी स्टार्ट हो गया है। शीर कोरमा, अचार गोश्त और कीमा और गर्मा गर्म पराठे। भाई भूख बहुत टाइट लग रही है, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अरे भाईजान क्या खा रहे हो आप? अचार गोश्त। अरे भाई इसमें गोश्त का है, गोश्त तो निकाल लो, खाली अचार अचार खाने में लगे हो। डॉक्टर साहब आप क्या खा रहे हैं? आपकी ट्रे तो खाली पड़ी हुई सामने। अच्छा ये खा रहे डॉक्टर साहब? क्या खा रहे हैं? कीमा। डॉक्टर साहब क्या खा रहे हैं आप? अचार गोश्त। और भाई यहाँ पे तो सारे ही बच्चे अचार गोश्त खा रहे हैं। यहाँ पर हमारी बच्चा पार्टी लाइन में बैठी हुई है, पता है क्यों? ईदी मिलने वाली है। स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले कौन लेगा? मैं, मेरा नंबर। तीनों बोल ले मेरा नंबर, मेरा नंबर। पापा जो छोटे होते हैं ना वो पहले होते, बड़ा बड़ा आखिर में आता है। ओए अली ने कितनी अच्छी बात करी कि ये दोनों छोटे भाई हैं, ये रोएंगे इसलिए मैं एंड में जाकर बैठ गया, इसलिए बैठे हो। थैंक यू अली। हाँ भाई कितने दूं? 4 रुपए। 5 रुपए? अरे 5 रुपए नहीं भाई, ज्यादा मांगो। ईदी मिल रही है भाई। चलो पूरी खींच रहा है ये अम्मी की तरफ से। अम्मी के अलग, अब्बू के अलग। भाई आज तो बच्चों के मजे आ गए, अम्मी अलग दे रही है, अब्बू अलग दे रहे हैं। ये किसकी तरफ से? मैं अम्मी की तरफ से। ये किसकी तरफ से जल्दी बता? अली की तरफ से। क्यों? ये किसकी तरफ से? अब्बू की तरफ से। जाओ भाई, चलो वागो, अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई बस करो, बस करो, अस्सलाम वालेकुम करो सीधे हाथ से। चलो भाई अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। चलो भाई अब आ जाओ भाई, डॉक्टर अफान इनकी बारी आ गई भाई। हाँ भाई अफान भाई आ गए। कितनी ईदी चाहिए? आप कितने लोग हैं? 500 रुपए ईदी चाहिए बच्चे को। ये मम्मा की तरफ से भाई, मजे आ गए इस बार तो बच्चों के। ये मम्मा। ओ 100 रुपए। ये अली की भी बारी आने वाली है। पापा। वाह भाई वाह। अस्सलामुअलैकुम। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। अस्सलामुअलैकुम। चलो भाई अब छुट्टी करो। चलो भाई अली की नंबर आ गई। सबकी ईदी हो गई? सबकी ईदी हो गई, बस खत्म हो गए बच्चे। अरे नहीं नहीं मेरा बेटा भी तो है, तब भी आ रहा था ना। अली देखा ही नहीं मैंने आपको। 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए
सारे चाहिए 19 लाख रुपए दी चाहिए 19 लाख रुपए दी मुझे चाहिए 10 रुपए चाहिए 10 रुपए अली नहीं 10 रुपए नहीं अरे 10 इतने पैसे चाहिए ये 10 लाख रुपए ओके चलो अच्छा ये देखो ये 5 लाख और ये 5 है ये हाँ तो 5 लाख होगा ना ये 10 लाख दो उई हुई और अली देखो आप बोल दे रहे 10 लाख अब्बू की तरफ से वालेकुम अस्सलाम ओरे भाई भाई बच्चों को ताया अब्बू की तरफ से तो ईदी मिल गई है अब दादी रहती हैं दादी कह रही है बस नीचे चल के आपको भी ईदी देती हूँ भाई मैंने सोचा नीचे जाने से पहले क्यों ना अपने रैबिट्स को लूसन वगैरह दे दिया जाए और अपने बर्ड्स का पानी वगैरह भी चेंज कर दिया जाए मुझसे पहले ये बच्चा पार्टी ऊपर आकर बैठी हुई है देखें ये देखें क्या कर रहे हो आप लोग गब्बर को प्यार कर रहे हो ओए हटो मैं बाहर निकालूं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम चलो भाई आ जाओ खाने का टाइम हो गया सबका ये देखें भाई बच्चा पार्टी ना यहाँ पे खाना खिला रही है अरे आने दो बाहर आने दो मेरे बेटे ये देखें ये गब्बर आ जाओ गब्बर बाहर आ जाओ जल्दी से आओ बाहर आओ ना क्या हुआ आ जाओ बाहर आ जाओ भाई बच्चे देख के ना गब्बर डर रहा है हमारा ये देखो अरे आप पीछे हो तब आएगा वो वैसे डर रहा है बेटा आप लोग जब पीछे हो गए ना तब आएगा देखो आ गया ना अब ये देखो अब खाना खाने दो उन लोगों को जब तक ये बच्चा पार्टी यहाँ पर लूसन वगैरह खिला रही है ना रैबिट्स को वहां पर हसन खिला रहा है तो मैं एक काम करता हूँ पानी वगैरह चेंज कर देता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गब्बर कैसे हो भाई ठीक हो ये कितना प्यारा है गब्बर देखे ओए 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 गब्बर ब्राउनी क्या हाल है भाई ईद मुबारक ये कहा है बनी ईद मुबारक स्नो को देखें भाई हसन के साथ खेलने में लगा हुआ है सुनो ईद मुबारक ओ भागो सुनो भागो पकड़ो भाई देखें ईद के दिन भी क्या क्या काम करने पड़ते हैं पूरा दाना पानी दिया है इनको और पानी के मामले में ना मैं बोलता हूँ बिल्कुल साफ पानी डेली देना चाहिए इनको अभी मैंने इनके सारे पोट धोए अब इनको पानी वगैरह दे दिया है अब बच्चों को बोलता हूँ भाई कि जल्दी से रैबिट्स को बंद करें अली बेटा बंद करें बस इनको और अब हम चलते हैं नीचे तो यहाँ पर ना हमने अपनी रैबिट फैमिली को अंदर कर दिया और खाना दे दिया और हमने लगा दिया ताला अब हम चलते हैं नीचे की साइड अरे नहीं भाई एक मिनट आपको एक चीज और दिखानी है ना यार उसको तो हमने ईद मुबारक बोला नहीं हमारा टर्टल पापा हमने सबको ईद मुबारक बोलते हैं क्या खाली हमारा क्राउन टर्टल रह गया चलो फिर आओ इसको भी ईद मुबारक बोलते हैं अंदर चलकर चलो भाई हम क्राउन टर्टल को ईद मुबारक बोलने जा रहे हैं और भाई मेरे से तो अंदर भी नहीं आ जा रहा अरे क्या आपकी आपकी वजह से ईद मुबारक क्राउन टर्टल अरे भाई जान नीचे उतरो कहाँ चढ़ के बैठ गए अली इसका पानी खत्म नहीं हुआ है मेरे बेटे मैंने खुद कम करा हुआ है ताकि जब इसका दिल करे खुशकी में चले जाए जब दिल करे पानी में आ जाए टर्टल ईद मुबारक क्या बारीक बारीक है ये इसका डिजाइन है अली अल्लाह ताला की कुदरत है ये अल्लाह ताला ने इसको डिजाइन दिया है माशाल्लाह बोले ये देखें भाई माशाल्लाह से हमारा क्राउन टर्टल भी ईद मना रहा है भाई माशाल्लाह यहाँ छोड़ दूँ चलो भाई क्राउन टर्टल जाओ चले भाई अब हम चलते हैं नीचे अम्मी से ईदी लेंगे और बहुत थक गए भाई फिर आराम करेंगे पापा बहुत सारी ईदी मिलेगी पापा बहुत सारी ईदी मिलेगी डांस कर रहा भाई सुभान अल्लाह तीनों बच्चों की ईदी निकाल ली है और अली ये रहा डॉक्टर अफान ये रहा और हसन ये रहा ठीक है भाई ये रही अली की ईदी वालेकुम अस्सलाम और ये रही अफान की ईदी अस्सलाम वालेकुम और ये रही हसन की ईदी अरे अस्सलाम वालेकुम भाईजान भाई अम्मा जी सामने बैठी हैं और नीचे तीनों बच्चे लाइन से बैठ गए अम्मा जी ईदी देंगी अभी इन सबको भाईजान बैठ जाओ सबर करो अभी दादी गिन रही हैं देखो पैसे गिन रही हैं दादी मैं आपका पोता हूँ ये आपका पोता है अम्मी जल्दी से ईदी दे दो दादी के पोते को ओए होए होए अच्छा ने पप्पा कर लिया अपनी दादी को वालेकुम अस्सलाम अब अफान की बारी
उसके बाद अली की बारी। थैंक यू दादी। चलो भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब मेरे बेटे की बारी आ गई है। सारे लोग अम्मी बोल रहे मैं सारे लूंगा, ये वाले सारे पूरी गड्डी। दादी फिर सबको क्या बांटेंगी? अभी सबको देंगे, बाद में देंगे। बाद में देंगे अली, बाद में। अभी ओए ओए मेरा बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अम्मी मेरी ही थी, कहें हमारी ईदी नहीं मिलेगी हमें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, जब सब जमा हो जाएंगे ना हमारे बहन भाई, अम्मी फिर देती हैं। तो चले भाई, इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करूंगा, क्योंकि कमरे के अंदर मैंने एसी ऑन कर दिया, कमरा टाइट चिल हो रहा है भाई। अब जाकर सोएंगे, आराम करेंगे। पहली ईद तो भाई इसी तरीके से मनाते ज्यादातर लोग, घूमना फिरना तो भी शाम में होता है भाई। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते भाई के चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।